हेलो फ्रेंड्स, प्राइम बॉक्स में आपका स्वागत है, जहां बॉक्स ऑफिस के बारे में सिर्फ बात ही नहीं होती, फिल्मों की जन्म कुंडली भी निकाली जाती है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जो इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेगी वो आपको किसी भी क्रिटिक्स के वीडियो में नहीं मिलने वाली है। अब हम बात करने वाले काल की 2898 AD मूवी के बारे में, जिसका आज 9वां दिन था थिएटर में। इस फिल्म से मुझे उम्मीद थी कि आज भारत में 450 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन क्रॉस कर लेगी और ग्रॉस कलेक्शन ये 500 करोड़ रुपये का क्रॉस कर लेगी। बट आज क्योंकि इसका कलेक्शन कम हुआ, जिसकी वजह से ये मेरे दोनों ही सपने अधूरे रह गए। आज इस मूवी ने भारत में 17 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए, जिसमें हिंदी वर्जन में इसने 9 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए, तेलुगू वर्जन में इसने 6 करोड़ रुपए कमाए और तमिल वर्जन में 1 करोड़ रुपए कमाए। अगर थिएटर में ऑक्युपेंसी के बारे में बात करूँ तो आज इसकी थिएटर में ऑक्युपेंसी, हिंदी वर्जन में इसकी ऑक्युपेंसी 17% थी, तमिल वर्जन में 13% थी और तेलुगु वर्जन में इसकी ऑक्युपेंसी 30% थी। इसी के साथ इसका भारत में जो टोटल कलेक्शन हो जाता है वो 432 करोड़ रुपए हो जाता है, जिसमें तेलुगु वर्जन में इसने अब तक 218 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, हिंदी वर्जन में इसने 171 करोड़ रुपये कमाए हैं, तमिल वर्जन में इसने 24 करोड़ रुपये कमाए हैं और मलयालम में इसने 15 करोड़ रुपये के राउंड कमाए हैं। अब इसको 18 करोड़ रुपये और चाहिए 450 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करने के लिए। तो डेफिनेटली आज शनिवार है, आज ये 450 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी। अगर इसके भारत में ग्रॉस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो टोटल ग्रॉस कलेक्शन इसका 494 करोड़ रुपए हो चुका है, ये भी आज 500 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब ये तो वो बातें होगी जो आपको कोई भी क्रिटिक्स बता सकता है। अब बात करते हैं इसके रिकॉर्ड्स के बारे में। अगर जनरली देखा जाए तो आज इसने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, लेकिन अगर आप इसको डीपली एनालाइज करोगे तो आज भी इस मूवी ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी डब्ड वर्जन में सेकंड फ्राइडे के हाईएस्ट कलेक्शन के मामले में। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है बाहुबली, जिसने सेकंड फ्राइडे को 19 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए। दूसरे नंबर पर है आरआरआर, जिसने 13 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए। और तीसरे पर है केजीएफ चैप्टर 2, जिसने 11 करोड़ 55 लाख रुपए कमाए। अब इस लिस्ट में एंट्री हो रही है काल की 2898 AD मूवी की। चौथे नंबर पर इसने 9 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए। दूसरा रिकॉर्ड जो काल के 2898 AD मूवी ने बनाया है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कोई भी क्रिटिक्स इस रिकॉर्ड के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि लोग स्किप कर देते हैं, लोग इतनी इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं हैं। जो आसान काम होता है लोग वही करते हैं, वो ये है कि इसने भारत में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी की लिस्ट में टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। टॉप 10 में सबसे पहले नंबर पर थी 10th नंबर पर थी 2.0, जिसने 407 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। 8वें नंबर पर आ चुके काल की 2898 AD मूवी, जिसने 432 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इससे पहले जो 8वें नंबर पर मूवी थी वो थी बाहुबली, जो 2015 में रिलीज हुई थी, उसका नेट कलेक्शन था 421 करोड़ रुपए। तो काल की 2898 AD मूवी ने आज इस कलेक्शन को अचीव किया है, 432 करोड़ रुपए कमा के बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ा है। बाहुबली भी प्रभास की थी और काल की भी प्रभास की है, तो मतलब प्रभास ने आज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के अपनी आप की रैंकिंग खुद सुधारी है, अपनी रैंकिंग दूसरी फिल्म में गिराकर। इसका जो अगला टारगेट है वो गदर 2 है, जिसने भारत में 525 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। हालांकि उससे 75 करोड़ रुपए शॉर्ट है, हो सकता है इसको इस कलेक्शन को हासिल करने में 5-7 दिन और लग जाएं, पर डेफिनेटली ये गदर 2 के रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाली है। अब जाओ गूगल पर सर्च कर लो, ये रिकॉर्ड आपको कोई भी नहीं बताने वाला। अब ये तो बात होगी इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में। अगर इंडिया ग्रोस कलेक्शन के बारे में बात करें तो टॉप 10 में तो काल की अभी जगह नहीं बनी है, लेकिन अगले कुछ दिनों में या शायद कल को बन जाएगी। अभी टॉप 10 में है बाहुबली, 10वें नंबर पर है, जिसका जो ग्रोस कलेक्शन है 515 करोड़ रुपए है। और 11वें नंबर पर है काल की 2898 AD मूवी, जिसका कलेक्शन 494 करोड़ रुपए है। ग्रोस कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रोबेबली पॉसिबल है कि कल टॉप 10 की लिस्ट में बाहुबली को पीछे कर काल की टॉप 10 पोजीशन में आ जाएगी, 10वें नंबर पर आ जाएगी। ये बात भी आपको कोई नहीं बताने वाला। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। काल की 2898 AD मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 774 करोड़ रुपए हो चुका है। इसमें भी इसने एक रिकॉर्ड बनाया, हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये 11वें नंबर पर आ चुकी है। टॉप 15 लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 15वें नंबर पर है सुल्तान, इसने वर्ल्ड वाइड 627 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया था। उसके बाद में बाहुबली आती है 14वें नंबर पर, जिसने 650 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमाए थे। फिर उसके बाद में आती है गदर 2 13वें नंबर पर, जिसने 686 करोड़ रुपए कमाए थे। और फिर आती है 12वें नंबर पर 2.0 रोबोट 2.0, जिसने 744 करोड़ रुपए कमाए थे। और उसके बाद 11वें नंबर पर आती है काल की 2898 AD मूवी, जिसने 774 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब इसका जो अगला टारगेट है वो PK मूवी है, जिसने वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 792 करोड़ रुपए का किया है। प्रोबेबली ये रिकॉर्ड भी कल को टूट जाएगा और ये ग्रोस कलेक्शन के मामले में, वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन के मामले में टॉप 10 मूवीज़ में शुमार हो जाएगी। ये भी आपको
कोई नहीं बताने वाला। वैसे एक रिकॉर्ड ऐसा भी है जो ये कल तोड़ सकती है, वो है हाईएस्ट लाइफ टाइम कलेक्शन ऑफ एनी हिंदी डब्ड मूवीज़ के बारे में। इसमें अभी काल की 2898 एडी मूवी पाँचवें नंबर पर है, जिसने 171 करोड़ रुपए भारत में कमाए। अगर ये 14 करोड़ रुपए कल हिंदी वर्जन में कमा लेती है तो ये रोबोट 2.0 का जो 2018 में रिलीज हुई थी उसने 189 करोड़ रुपए कमाए थे हिंदी डब्ड वर्जन में, उसका रिकॉर्ड तोड़कर ये चौथे नंबर पर आ जाएगी सबसे ज़्यादा हिंदी डब्ड वर्जन में पैसा कमाने वाली मूवीज़ में। तो देखते हैं कि ये रिकॉर्ड कल तोड़ पाती है नहीं, हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है ये रिकॉर्ड कल तोड़ देगी। अब ये तो बात होगी इस मूवी के रिकॉर्ड्स के बारे में जो आपको किसी ने बताए भी नहीं होंगे और कोई शायद बताएगा भी नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कल के कलेक्शंस के बारे में। कल सैटरडे है तो कल इसकी मूवीज़ के शोज़ भी बढ़ेंगे, वो शोज़ बढ़ेंगे, इसकी ऑक्यूपेंसी भी बढ़ेगी और कल इसका कलेक्शन भी बढ़ने वाला है। तो मेरे ख्याल से कल ये मूवी 20 से शायद हो सकता है 25 करोड़ रुपये क्रॉस कर जाए, तो मतलब डेफिनेटली कल ये मूवी 450 करोड़ रुपये क्लब में एंटर करेगी और साथ ही ग्रॉस कलेक्शन के मामले में 500 करोड़ रुपये क्लब में भी एंट्री करने वाली है। इसके साथ में भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाएगी जो मैं आपको कल बताने वाला हूँ और आपको वो कोई नहीं बताएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ताकि एंटरटेनमेंट का डोज आपको टाइमली मैनर में मिलता रहे। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।